हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज मैं हेल्थ एजुकेशंस के अंतर्गत बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार क्या है और इसके अंतर्गत कौन कौन से पोषक तत्व आते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, ये क्या है, इसका विभिन्न तत्वों के आधार पर कैसे वर्गीकरण किया गया है, इसके बारे में बताऊंगी। ये वीडियो आपके लिए वेरी हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। इससे 100% हर बार हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न कि फिजिकल एजुकेशन में, कोई भी एग्जाम्स हो इससे क्वेश्चन जरूर होते हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पे सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सभी वीडियोज को वॉच करके आप अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन कर सकते हैं। एंड दोस्तों, 100 से ज्यादा वीडियोज प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चन पर है एंड चैप्टर वाइज एमसीक्यूज क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कराया गया है, उसको आप देखना ना भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर, बैलेंस डाइट। सबसे पहले जानते हैं कि बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार क्या है। जैसे कि दोस्तों, संतुलित आहार यानी कि सभी पोषक तत्वों का उचित मात्रा होना चाहिए। यानी कि संतुलित आहार कहते किसे हैं, यानी कि संतुलित आहार से तात्पर्य ऐसे भोज्य पदार्थों से है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व निश्चित अनुपात में मौजूद हों। सभी आवश्यक पोषक तत्व यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण एवं जल निश्चित अनुपात में मौजूद हों। यानी कि दोस्तों, डेली बेसिस पे आपको ये संतुलित आहार लेना आवश्यक है। इन 6 तत्वों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल का उचित मात्रा में अनुपात हर दिन के भोजन में आपको होना चाहिए, वही आपका संतुलित आहार होता है। यानी कि वह आहार जो शरीर के लिए ऊर्जादायक हो, वृद्धिकारक हो तथा क्षतिपूरक हो, ठीक है, तथा उस आहार में पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध हो, ठीक है। ये 6 पोषक तत्व है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल उचित मात्रा में उस भोजन में उपलब्ध हो, उसी को हम कहते हैं बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार। जैसे कि इन 6 तत्वों को आपको लेना डेली बेसिस पे आवश्यक है दोस्तों। यदि आप कार्बोहाइड्रेट ही लेंगे, प्रोटीन नहीं लेंगे, तो क्या होगा, केवल आपको ऊर्जा मिलेगी, आपका मांसपेशी वगैरह वृद्धि नहीं होगी, ठीक है। तो आपको 6 पोषक तत्वों को लेना आवश्यक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल, इन सभी का भोजन में उचित मात्रा में उपलब्ध हो, यही होता है आपका संतुलित आहार। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि ऊर्जा क्या है। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा शरीर द्वारा कार्य करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है ना। तो हम जो पोषक तत्व लेते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, संतुलित आहार लेते हैं, उससे हमको क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। तो शरीर द्वारा कार्य करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, उसी को हम ऊर्जा कहते हैं, ठीक है, जो ऊर्जा से प्राप्त होती है। और दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है कि ऊर्जा की माप किसे किया जाता है, तो ऊर्जा की माप कैलोरी में किया जाता है। किसे किया जाता है? कैलोरी में। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। एंड दोस्तों, एक कैलोरी बराबर कितना ऊर्जा होता है, ये भी क्वेश्चन उठता है। तो एक कैलोरी बराबर उतनी ऊर्जा से है जो 1 ग्राम जल का तापमान 1 सेंटीग्रेड तक बढ़ा दे, ठीक है। यानी कि 1 ग्राम जल का तापमान बढ़ाने में जितनी ऊर्जा लगती है 1 सेंटीग्रेड तक, उतनी ऊर्जा को हम 1 कैलोरी मेजर करते हैं, ठीक है, आप समझ गए होंगे। एंड दोस्तों, कैलोरी को कैल से भी इंगित किया जाता है। अब दोस्तों, पोषक तत्व जो है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, इन पोषक तत्वों को विभिन्न आधार पर कैसे वर्गीकरण किया गया है, अब इसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। जैसे सबसे पहले हम जानेंगे पोषक तत्वों के प्रकार, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल का हम वर्गीकरण करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे शरीर में आवश्यकता के अनुसार पोषक तत्वों का वर्गीकरण। शरीर में आवश्यकता के अनुसार पोषक तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है, मैक्रो पोषक तत्व, माइक्रो पोषक तत्व, जल, ठीक है। मैक्रो पोषक तत्व यानी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसमें शरीर में
अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, माइक्रो पोषक तत्व की शरीर में अधिक आवश्यकता होती है, जिसके अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आता है। एंड माइक्रो पोषक तत्व, जिसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, ये शरीर को कम आवश्यकता होती है, इसके अंतर्गत विटामिन एंड खनिज लवण आता है। एंड तीसरा है वाटर। ठीक, ये था आपको शरीर में आवश्यकता अनुसार पोषक तत्वों का वर्गीकरण। अब हम बात करते हैं विशिष्टता के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण। विशिष्टता के आधार पर इसको 6 भागों में डिवाइड किया गया है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल। जैसा कि दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट प्रति 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। एंड दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर के लिए 55 से 60% आवश्यकता होती है। कितना? 55 से 60% या 57 से 60 भी बोल सकते हैं। ठीक, एंड प्रोटीन जो है हमारे शरीर के लिए 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, 4 पॉइंट एंड कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन दोनों में 4.1 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम के दहन से। ठीक है, और प्रोटीन जो है हमारे शरीर के लिए 10 से 15% आवश्यकता होती है। कितना? 10 से 15%, ये ध्यान में रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट 55 से 60%, प्रोटीन 10 से 15% आवश्यकता होती है। एंड तीसरा है वसा। वसा 1 ग्राम वसा के दहन से 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ये ध्यान में रखिएगा। 9.1 कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम से 4.1, प्रोटीन 4.1 और वसा 9.1। और वसा जो है हमारे शरीर के लिए 20 से 30% आवश्यकता होती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए 55 से 60%, जैसा कि आप सब जानते हैं, सबसे ज्यादा आप भोजन में प्रतिदिन क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट ही खाते हैं। एंड प्रोटीन जो है 10 से 15% आवश्यकता होती है, जैसे कि दाल, दूध, सोयाबीन। एंड वसा जो है वह 20 से 30% आवश्यकता होती है, जैसे कि तेल, घी, बादाम, मूंगफली, ये सब। तो ये विशिष्टता के आधार पर 6 भागों में डिवाइड किया गया है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज और विटामिन, जल। एंड दोस्तों, अब हम बात करेंगे कार्य के आधार पर पोषक तत्वों को कितने प्रकार में बांटा गया है। जैसा कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कार्य के आधार पर पोषक तत्वों को कितने प्रकार में बांटा गया है, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है, ऊर्जा देने वाले, शरीर का निर्माण करने वाले और रोगों से सुरक्षा करने वाले। ठीक है, कार्य के आधार पर पोषक तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है, ऊर्जा देने वाले, शरीर का निर्माण करने वाले, रोगों से सुरक्षा करने वाले। जैसे कि दोस्तों, ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कौन है? कार्बोहाइड्रेट और वसा। ठीक है, ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा। जैसे कि दोस्तों, तुरंत एनर्जी हमको कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, जबकि प्रति ग्राम में कितना मिलता है कार्बोहाइड्रेट से? 4.1, जबकि वसा से 9.1 मिलता है। बट दोस्तों, वसा को पाचन होने में ज्यादा समय लगता है, इसलिए वो देर से ऊर्जा दे पाता है। सबसे ज्यादा ऊर्जा वसा से मिलता है, बट सबसे जल्दी ऊर्जा किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से, ये ध्यान में रखिएगा। इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ज्यादा। ठीक है, तुरंत आपको ऊर्जा लेना है तो क्या वसा खाएंगे तो जल्दी ऊर्जा मिलेगा? नहीं, कार्बोहाइड्रेट सबसे जल्दी ऊर्जा देता है। और सबसे ज्यादा ऊर्जा की बात करेगा तो वसा, ठीक है, 1 ग्राम में। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये दोनों क्या है? ऊर्जा देने वाले हैं। क्या है? ऊर्जा देने वाले, ध्यान से रखिएगा। ऊर्जा देने वाले कौन है? कार्बोहाइड्रेट और वसा। इसके अंतर्गत आपका अनाज, गुड़, शक्कर, मांस, मछली, अंडा, दूध, घी, मक्खन, दालें, सोयाबीन, तेल, ये सब आएंगे। ठीक है, एंड दोस्तों, शरीर निर्माण करने वाले, दूसरा है शरीर का निर्माण करने वाले। शरीर निर्माण करने वाले कौन होता है दोस्तों? प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? हमारे उत्तकों को बनाता है, घावों को भरता है, हमारे शरीर का निर्माण करता है, मांसपेशियों को हष्ट पुष्ट करता है। तो दोस्तों, शरीर का मरम्मत, टूट फूट का मरम्मत करने वाला कौन है? प्रोटीन है। जैसे कि हम छोटे बच्चों को शरीर का निर्माण करना होता है, इसलिए सबसे ज्यादा उसको सबसे ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता छोटे बच्चों को होते हैं। देखते हैं उस समय हम दाल ज्यादा उसको खिलाते हैं, दूध ज्यादा खिलाते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन जो है हमारे शरीर निर्माण का कार्य करता है, जैसे कि दूध, मांस, मछली, अंडा, दालें, सोयाबीन, चना, मूंगफली, इस समय पाया जाता है प्रोटीन। नेक्स्ट है दोस्तों,
कार्य के आधार पर ऊर्जा देने वाले हो गया, निर्माण करने शरीर का निर्माण करने वाली हो गया, एंड तीसरा है इसका रोगों से सुरक्षा करने वाली। तो इसमें आता है विटामिन एंड खनिज लवण। दोस्तों क्वेश्चन बार बार आता है कि कौन ऊर्जा नहीं देता, तो उसमें ऑप्शन देता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। तो इसमें ऊर्जा कौन नहीं देता है, विटामिन एंड खनिज लवण दोस्तों हमारे लिए ऊर्जा नहीं देता है, ये रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। क्या है, यह रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है, ये ध्यान में रखिएगा। कभी भी क्वेश्चन आए कि इसमें से कौन हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देता, तो ऑप्शन दिए रहेगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, तो आप क्या चिन्ह लगाएंगे, विटामिन। विटामिन एंड खनिज लवण क्या है, हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देता, यह हमारे रोगों से रक्षा प्रदान सुरक्षा प्रदान करता है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्ड करता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, ठीक है। तो हमारे रोगों से सुरक्षा करता है विटामिन एंड खनिज लवण, ठीक है, विटामिन एंड खनिज लवण। जैसे कि ताजे फल, मांस, मछली, दूध, अंडा, पत्तेदार सब्जियां में, ये सब सलाद, कच्चे फल में पाया जाता है, ठीक है। तो इन सब के बारे में डिटेल में बाद में बात करूंगी कि किसमें क्या पाया जाता है। तो हमने जाना कार्य के आधार पर पोषक तत्वों को तीन भागों में बांटा गया है, ऊर्जा देने वाले, शरीर का निर्माण करने वाले, रोगों से सुरक्षा करने वाले। ऊर्जा देने वाले में कौन है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, शरीर का निर्माण करने वाले प्रोटीन, रोगों से सुरक्षा करने वाले विटामिन एंड खनिज लवण। एंड दोस्तों कार्बनिक और अकार्बनिक तत्वों के आधार पर पोषक तत्वों को दो भागों में बांटा गया है, कार्बनिक और अकार्बनिक, यानी कि जैविक अजैविक, ठीक है, कार्बनिक अकार्बनिक यानी कि जैविक अजैविक के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। कार्बनिक के आधार पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, एंजाइम, विटामिन, एंड अकार्बनिक में जल, खनिज लवण आता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने विभिन्न आधार पर पोषक तत्वों को कैसे बांटा गया है इसके बारे में इस वीडियो में जाना। एंड दोस्तों हम बात करेंगे कि संतुलित आहार, यदि आप संतुलित आहार का चार्ट बना रहे हैं तो क्या क्या ध्यान रखेंगे चार्ट बनाते समय, इसको भी आपको जानना आवश्यक है। तो संतुलित आहार का चार्ट बनाते समय ध्यान योग्य बातें क्या है, सबसे पहले आप देखेंगे कि कार्य की प्रकृति क्या है, यानी कि जो जिस बंदे के लिए हम संतुलित आहार बना रहे हैं वो किस प्रकार का कार्य करता है, भारी काम करता है कि हल्का काम करता है कि आराम से सोया रहता है, उसके आधार पर उसके डाइट को हम संतुलित आहार का चार्ट बनाएंगे। एंड तो दूसरा बात ध्यान रखेंगे कि व्यक्ति की उम्र क्या है, ठीक है, यानी कि एक छोटा बच्चा का आहार, एक बड़े आदमी का आहार अंतर रहेगा ना, इसलिए उसको उम्र देखेंगे। और लिंग क्या है, ठीक है, लिंग पर भी असर पड़ता है, ठीक है, स्त्रियों को ज्यादा आहरण की जरूरत पड़ती है एंड पुरुषों को कम, ये भी ध्यान रखना पड़ता है। एंड उसका भार क्या है, ठीक है, एक पतला दुबला इंसान, एक मोटे ताजे इंसान के आहार में अंतर रहेगा। एंड उसका आकार क्या है, ये ध्यान में रखेंगे। एंड नेक्स्ट ध्यान रखेंगे कि वातावरण कैसा है, गर्म वातावरण है कि ठंडा वातावरण है, ठीक है, व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा है, रोगी है कि स्वस्थ है, और उसका फिटनेस लेवल कैसा है और जलवायु कैसा है, इस सब का ध्यान रखेंगे एक संतुलित आहार का चार्ट बनाते समय। तो दोस्तों ये हम जाने कि पोषक तत्व क्या है, बैलेंस डाइट क्या है, बैलेंस डाइट को बनाते समय आप क्या ध्यान रखेंगे और पोषक तत्वों को किस किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है, इसके बारे में हमने जाना। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आई होप कि दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक करके कार्बोहाइड्रेट के बारे में, प्रोटीन के बारे में, वसा के बारे में, खनिज लवण के बारे में, जल के बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। इन सब के बारे में बात करने के बाद विभिन्न विटामिनों के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, एंड विभिन्न रोगों के बारे में बात करेंगे, जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं उन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। बस आप मेरे चैनल पे डेली बेसिस से बने रहिए, सभी टॉपिक आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ाए जाएंगे। तो दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।